money mo, never know. Talking like Geronimo, get dropped down like some dominoes. Blues and greens and pinks, I got a lot of those. Yeah, you know, talking slime, I can't relate to snakes. I see a lot of foes. Eeny, eeny, meeny, meeny, money mo, head to toe. Said you got your own style, that's just slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem, I might let them know. Freeze you like I'm Elsa, some I look, let it go. Eeny, eeny, meeny, meeny, money mo. तो स्वागत है आपका एक और नई टेक्सप्लेनेशन की वीडियो में। और आज हमारे पास है यहाँ पे ये Redmi Note 10 Pro Max, जो काफ़ी स्लीक काफ़ी अच्छा दिखने वाला फ़ोन है। बट क्या ये गेमिंग कर सकता है? क्या ये तीन गेम्स जो कि आपको दिख रही होगी सामने, Asphalt, PUBG और Call of Duty Mobile, क्या ये तीन गेम्स जो है खेल पाएगा अच्छे से? क्या हमें परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा गेमिंग रिव्यू मिल जाएगा। तो बने रहिए एंड तक, तीनों गेम्स का आपको पूरा आइडिया मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं टेक्सप्लेनेशन। चलिए गेमिंग रिव्यू करते हैं Redmi Note 10 Pro Max का। ओके, तो यहाँ पे ये शुरू हो चुकी है Asphalt 9। मैं आपको स्पीकर सुना देता हूँ, पहले तो फुल वॉल्यूम पे है। मैं ये कहूँगा ड्यूल स्पीकर है तो ये अच्छी बात है, बट मुझे लाउडनेस थोड़ी कम लगी। डेफिनेटली कम है, मतलब जितनी सोची थी उतनी तो नहीं है एटलीस्ट। बट कोई बात नहीं, हम इसको पहले हाई क्वालिटी पे सेट करते हैं और गेम को रीस्टार्ट करके मैं सीधा आपको गेम में मिलता हूँ। ओके, तो गेम शुरू हो चुकी है। इनिशियल इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है, बट अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं स्टार्टिंग में कुछ लैग्स जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हर फ़ोन में देखने को मिलते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ना मिले बस मुझे यही चाहिए। तो देखते हैं ज़रा। ओके, हल्के बिल्कुल लाइट से लैग देखने को मिल रहे हैं। ओके, टेक डाउन में कोई लैग नहीं था, आई थिंक अभी थोड़ा सा ठीक होने शुरू हो जाएगा ये, तो देख सकते हैं हम। ओके, हम अभी तक तो मतलब टेरेन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और ये गेम फिनिश होगी। बहुत छोटे लेवल है इसमें, नो प्रॉब्लम। हम एक और गेम खेलते हैं और उसमें थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छे से जज करेंगे। ओके, ये सेकेंड लेवल शुरू हो गई है। अगेन इनिशियल इंप्रेशन काफ़ी अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसे मतलब लैगी सा फील नहीं हो रहा है कि टक्कर भी हुई है यहाँ पे। थोड़ा मतलब ऐसे एक का जर्क से मिल रहे हैं, बट उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है एक्चुअली। तो गेम जो है काफ़ी अच्छी चल रही है। टेक डाउन नहीं हुआ है, टेक डाउन हो जाता तो अच्छा था, बट दो गेम्स हमने खेल ली है और कुछ खास आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला लैग। तो मैं कहूँगा Asphalt 9 एज यूजुअल सबके लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप Asphalt के ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं तो आप खेल सकते हैं। बाय द वे, हम बैटरी और जो टेम्परेचर चेक है वो भूल गए हैं करना, तो अभी हम वही करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टैक्सिंग गेम नहीं है। देखते हैं कि टेम्परेचर अभी कितने हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो जो टेम्परेचर है 34.6, हाँ तो मैं कहूँगा अभी 34 है, जो कि हम इसको एवरेज या ओके टेम्परेचर मानते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस अभी तक 35। ओके, 35 का मैंने देखा यहाँ कैमरा के आसपास 36, तो कैमरा का एरिया थोड़ा सा यहाँ पे वार्म हो चुका है, बट इसको हम हॉट नहीं कहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ही है ये। अभी हम खेलते हैं PUBG मोबाइल और उसमें देखते हैं कि क्या हाल होता है इस फ़ोन का। तो अभी हम देखते हैं 55% पे है बैटरी, तो देखते हैं इस गेम के बाद हीटिंग क्या होगी, टेम्परेचर क्या होंगे और ऑफकोर्स बैटरी कितनी नीचे जाएगी। ओके, तो हम PUBG मोबाइल में आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको सेटिंग्स में जाके ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर सम रीज़न अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे HDR नहीं सेट हो सकता, तो HD पे हाई जो है वो सबसे हाईएस्ट सेटिंग है यहाँ पे, तो आई थिंक इसके अलावा आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। बट हम देखते हैं HD में हाई में हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। होपफुली ये अच्छा चले, हम क्विक मैच ही खेलेंगे, ज़्यादा बड़ा मैच नहीं खेलेंगे, बट उसमें भी काफ़ी एक हाई लेवल का यहाँ पर मैप देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको सीधा गेम में मिलता हूँ। ओके, तो ये टीम डेथ मैच यहाँ शुरू हो गया। फुल डिस्क्लोजर, इससे पहले मैंने क्विक मैच खेला था, वो लंबा नहीं चला, मैं जल्दी एलिमिनेट हो गया, तो मैंने वो पार्ट जो है कट कर दिया है। बट आप समझ लीजिए मैं ऑलरेडी 6 मिनट से पबजी खेल रहा हूँ इससे पहले, और इसके ऊपर जो है टीम डेथ मैच ऐड होगा और उसमें देखेंगे हम कि कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि ऑलरेडी यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं और उसके ऊपर ये टीम डेथ मैच चल रहा है। फ़ोन थोड़ा सा वार्म हो चुका है डेफिनेटली, तो मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ आवाज़ ताकि मुझे पता चले लोग कहाँ से आ रहे हैं। क्या शॉट था, सीधा हेडशॉट लगाया गया। तो काफ़ी हम लोग, मैं तो एटलीस्ट पबजी तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद खेली है, तो मैं अगर एक किल भी यहाँ पे ले लूँ तो मेरे लिए एक सोने पे सुहागा हो जाएगा यहाँ पे फॉर श्योर। ओके, एक किल तो मिल गई एटलीस्ट मुझे। मैं ये कहूँगा गेम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो वो एक छोटी मोटी हेल्प हो रही है मेरी।
ओके कहाँ से आया, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, गेम काफ़ी अच्छी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस बारी फ़ोन की गलती है, डेफिनेटली फ़ोन की कोई गलती नहीं है इस बारी। ओके गुड, यहाँ से मेरा एक और यहाँ पे किल मिल गया है मुझे, ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके यहाँ पे फाइनली एक और मौत, बट गेम अच्छी चल रही है, मतलब मुझे अगर 3 kills मिल रहे हैं या 4 kills जितने भी हो गए हैं तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है। काफ़ी हाई इंटेंसिटी मैच चल रहा है ये फॉर श्योर, तो हम लोग पीछे हैं डेफिनेटली, उनका स्टार्ट काफ़ी अच्छा था बट हम लोग कवर कर लेंगे होपफुली। तो मैं कहूँगा देखो, जैसे आपने देखा यहाँ 8 players ऑलमोस्ट एक साथ खेल रहे हैं, उसके बाद भी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डिप नहीं कर रहा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ सेटिस्फाइड हूँ। जो ओवरऑल एक फ्रेम रेट, कंसिस्टेंट फ्रेम रेट है, कंसिस्टेंट ग्राफिक्स हैं, जो गेम प्ले है जस्ट बेटर है इस टाइम पे, और मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है यहाँ पे ये चीज़। हाल ही में मैंने F62 किया था, वो तो मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में ही अच्छा चल रहा था, थोड़ा सा वहाँ पे भी मगर लैग कर रहा, बट उसका नेटवर्क प्रॉब्लम था, वैसा नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे यहाँ देखने को मिला और मैंने टेस्ट किया थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम तो है, शायद मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगा दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल मैं अपना गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि गेम स्मूथ है, डेफिनेटली सुपर स्मूथ नहीं है बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बेकार चल रही है या कुछ, मज़ा तो आ रहा है खेलने में, इतना मैं गारंटी देता हूँ, और क्या चाहिए, मज़ा ही तो चाहिए खेलने में। किल डेथ रेशो हमारा 0.6 का है, मुझे नहीं पता वो अच्छा है या नहीं, बट एटलीस्ट हमारे पास है तो है। ओके मैं थोड़ा बेवकूफ वाली हरकतें कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि साबित हो गई अभी आपने जैसा देखा होगा। ओके 34-30 हम अभी लीड में हैं, आई होप ये लीड मेंटेन रहे क्योंकि गेम अपने अच्छे से यहाँ पे लीड मेंटेन कर रही है, तो मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता अपनी टीम को जस्ट बिकॉज यहाँ पे मतलब। ओके एक और को उड़ा दिया हमने यहाँ पे, बट उस चक्कर में हम भी लुढ़क गए, तो ये बहुत ही सैड चीज़ थी। ओके वो सीधा ही किलिंग स्प्री पे चले गए और 38-40 हम हार चुके हैं, बट ये है कि गेम काफ़ी चली, माइनर एक आध जब मेन्यू लोड होता तब लैग था, बट गेम के बीच में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। मैंने जो शॉट वो खेली थी वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेम चली थी, शॉट जो मैच खेला था, क्विक मैच जिसे कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि पबजी के लिए अभी भी काफ़ी अच्छी गेम है, पबजी ग्लोबल है बाय द वे, अगर आप लिंक ऑनलाइन के ऑफिशियल उस पर जाओगे VPN से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे पूरा गेमिंग चला। अभी हम जो करते हैं टेस्ट करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर्स, तो 38.4 मैं देख सकता हूँ। ओके 36.1, 36.8, 36.0, 37, 35.7, थोड़ा यहाँ पे ठीक है, नीचे की तरफ इतना वार्म नहीं है और ऊपर भी मैं कह सकता हूँ कि इतना नहीं है, 36.8 मुझे स्क्रीन वार्म लग रही है, दो मैं स्क्रीन पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे 37 मैक्सिमम था, तो 37 यहाँ पर भी 37, 36.1, 38। ओके तो स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा वार्म है बैक से, तो जो हीट डिसिपेट, ओके 38.7 तो ऑलमोस्ट 39 जो हीट है वो डिसिपेट हो रही है स्क्रीन के थ्रू ना कि बैक के थ्रू, बहुत ही वियर्ड मैकेनिज्म है, बट ये कहूँगे 38.6, 38.7, मतलब ये बिल्कुल भी वार्म कह सकते हैं, वैसे हॉट टेम्परेचर नहीं है, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है जो मुझे लगी। बट अभी एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे कि अब हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे, बाय द वे बैटरी इज़ 52%, तो कॉल ऑफ ड्यूटी अभी हम खेलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस गेम का, और उसके बाद टेम्परेचर फाइनल चेक्स करेंगे और बैटरी के भी फाइनल चेक करेंगे। ओके तो मैं यहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी में आ गया हूँ, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ हाई और मैक्स पे सेट है, बट अगर मैं वेरी हाई करता हूँ तो ये यहाँ पे दोबारा वेरी हाई पे चला जाता है, तो मतलब हाई और हम मैक्स खेलना है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, फ्रेम रेट हाई पे रहेगी, मतलब फ्रेम रेट आपकी मैक्सिमम पे रहेगी, थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो हाई और मैक्स पे खेलना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए क्योंकि वो एक अच्छा मतलब फ्रेम रेट ज़्यादा होनी चाहिए बेसिकली, ग्राफिक्स आप थोड़े बहुत इधर उधर कर सकते हैं बट फ्रेम रेट अच्छी होनी चाहिए एटलीस्ट। तो अभी हम मैच शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कि हम लोग अच्छे से खेल पाएंगे अभी नहीं।
और उसके बेसिस पे फिर हम आगे डिसाइड करेंगे इस फोन का वर्डिक्ट। तो चलिए मैच में मिलता हूँ मैं। ओके, गेम स्टार्ट हो चुकी है। इनिशियल इंप्रेशंस ठीक लग रहे हैं, कोई खास लैग देखने को नहीं मिल रहा, थोड़ा लोडिंग टाइम स्लो है बट ओके है, इतना तो कुछ भी मतलब नोटिसेबल ही रहता है। ओके तो यस, ये बहुत ज़्यादा मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी की यही चीज़ बहुत पसंद है, जो इसका स्मूथनेस रहती है। और क्योंकि मैक्स फ्रेम रेट पे तो मतलब ये 60 FPS पे कंफर्टेबली चल सकती है, अगर ये जो फ़ोन है इसको चला सके तो। वो तो हमें मगर बाद में ही देखने को मिलेगा। तो मुझे नहीं पता वो सामने क्यों मरने के लिए आ रहे हैं। ये गेम में तो मैं वैसे थोड़ा सा बेटर हूँ PUBG से, बट वो तो खेलने के बाद ही पता चलेगा। मैं ये इतना कह सकता हूँ कि जो 60 FPS है बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा सही है और मुझे अभी से बहुत पसंद आ रहा है। ओके, सामने से जाके मारा है हमने यहाँ पे, काफी अच्छा चल रहा है अभी तक तो। FPS यहाँ पर तो मतलब ऐसा चल रहा है ना कि ये लोग सामने सामने आके भी मतलब मार नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं वो ही जाने। थोड़ा सेंट्री गन हम यहाँ पे रख सकते हैं बट आई थिंक उसके लिए मुझे मेन उस पर जाना पड़ेगा, मेन डेक पे जहाँ पे सारा कुछ चल रहा है। मैं ज़रा मिसाइल से अटैक कर सकता हूँ। ओके, किसी ने मिसाइल के उसके चक्कर में मुझे पीछे से ही अटैक कर दिया, बट कोई बात नहीं, अभी हम चल सकते हैं आगे। ओके, यहाँ सेंट्री गन लगा सकते हैं हम। काफ़ी गेम में तो देखो, अभी हम इतने लोग एक साथ खेल रहे हैं तो गेम में तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये बात मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे लोग ज़्यादा वो देखेंगे। मैं गोलायथ के साथ खेल के देखता हूँ अगर हम तब तक जीत नहीं जाते हैं। ओके, हम जीत गए हैं। तो बेसिकली ये गेम तो बहुत अच्छी चली, जो 60 FPS आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर था, काफ़ी एक अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, बिल्कुल लैग नहीं देखने को मिला। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा गेम प्ले था और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा टेम्परेचर है वो भी मुझे कुछ हाई नहीं लग रहा है, बैटरी भी आई थिंक ज़्यादा नहीं कंज्यूम हुई होगी। तो अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी और इवन एसफॉल्ट खेलने जाते हैं, अच्छा है। पबजी के लिए थोड़ा बेटर हो सकता है आई थिंक, क्योंकि वो ग्लोबल वर्जन है, वो प्ले स्टोर वर्जन नहीं है, तो शायद ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम वापस आते हैं और थोड़े टेम्परेचर चेक्स करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि कहाँ पे पहुँचे हम लोग इन टेम्परेचर के मामले में और बैटरी के मामले में भी ऑफकोर्स। तो इस गेम से बाहर निकलते हैं और टेम्परेचर गन लाते हैं अपनी। ओके, 38.3, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है मगर अगेन मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ मतलब इस परफॉर्मेंस से। शायद अगर मैं फ्री फायर खेलता तो थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ जाता बट मुझे नहीं लगता वो 40 से ऊपर जाता। स्क्रीन पे मैं देख लेता हूँ एक बारी, स्क्रीन पे अगर ओके 37.8 मैं कहूँगा इट्स ओके। 37.8 या कुछ करना मुझे नहीं लगता कोई खास यहाँ पे गर्म टेम्परेचर आपको देखने को मिला। तो 37 तक है और बैटरी 50 है, तो हमने 55 पे शुरू किया था ऑलमोस्ट, हमने अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो हमने 20-22 मिनट की गेम खेल ली होगी, उससे 5% कम हुई। तो मतलब बैटरी लेवल भी काफ़ी अच्छा है, जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी अच्छी। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा गेमिंग फ़ोन है अगर आप ये लेना चाहते हैं। इसका कैमरा रिव्यू ऑलमोस्ट रेडी है तो उसके लिए बने रहो चैनल पे, आपको वो भी मिल जाएगा जल्दी, एक दो दिन के अंदर होपफुली अगर सब कुछ सही रहा। मगर अभी के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और को ऐसा लगा कि आपको अगर डिसीजन लेना था गेमिंग के ऊपर तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर कर लो वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स से ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिले। और फाइनली ऐसी वीडियोज़ देखनी है या और भी टेक वीडियोज़ देखनी है और स्मार्टफोन्स के ऊपर देखना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।